एक्टिंग कर रही रोने की, क्योंकि मैं उसको गोदी में उठा रहा ना, इसलिए देखो एक्टिंग कर रही रोने की। बाय। हाँ तो फिर आ जा, फिर चुपचाप आ जा, आ जा, आ जा। ओए मैं कितने मारा, मैं देख रहा हूँ ड्रामे ड्रामे बाज। आ जा आ जा भाई, ऐसा लगता है ना, वेट करता जैसे ही मैं आता हूँ, मेरी स्कूटी पे आके बैठ जाता है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं ऑफिस से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा आपने देखा था, डॉग जो है वो बैठ जाता है स्कूटी में, तो अभी बैठ गया है सामने। उसको एक्चुअली उसे सही लगता होगा, कंफर्टेबल लगता होगा, क्योंकि नीचे मैट भी है और ठंडा भी हो रहा है, हल्का 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 नहीं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, तो उसे ऐसे उसको कम्फर्टेबल लगता होगा, इसलिए बैठ जाता है। फिर जैसे मैं जाता हूँ घर, तो उड़ जाता है, उसे पता लग जाता है कि ये जाने वाला है, उड़ जाता है, वरना उसको सोता रहता है आराम से मस्त। फिलहाल कुछ पेंडिंग काम पड़े हैं मेरे कल के, वो मैं निपटा लेता हूँ। मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, 3-4 दिन से मुझे तेज़ नींद आ रही है ना। नाश्ता करो, बहुत तेज़ नींद आ रही है, मतलब आँखें मेरी यार देख रहे होंगे, ज़बरदस्त नींद आती है यार। तो जल्दी से पहले मैं काम निपटा लेता हूँ। जस्ट ऑफिस से घर आया हूँ, उसके ड्रामे देखना एक दिखाता हूँ तुम्हें। एक्टिंग कर रही रोने की, क्योंकि मैं उसको गोदी में उठा रहा ना, इसलिए देखो एक्टिंग कर रही रोने की। अब देखो इग्नोर करो उसको, इग्नोर देखो क्या हुआ। ओए गिर जाएगा बेटा। देखो 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 कहाँ चढ़ रहा, कहाँ चढ़ रहा, कहाँ चढ़ रहा, क्या, अरे कहाँ चढ़ रही है, अरे पारी कर दो, पारी कर दे, पारी देखो, ड्राम देखो, आजा 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 आजा। आजा मेरे पास, आजा आजा, आओ इधर आओ, नहीं आना मैं जाऊं, बाय बाय बाय। हाँ तो फिर आ जा, फिर चुपचाप आ जा, आ जा, आ जा। ओए मैं कितने मारा, मैं देख रहा हूँ ड्रामे ड्रामे बाज। आ जा आ जा, चल चिज्जी खाएंगे, चिज्जी खाएंगे, आ जा चिज्जी खाएगा। देखो ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे पता लग गया चिज्जी मिलेगी तो हंसने लग गई है ना। नहीं देना, नहीं देना, आपको नहीं देना, जाओ नो। अच्छा 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 अच्छा, देना 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 देना, देना। नहीं देना, रावि को नहीं देना, नो। भाई मैं जिम चला गया था उसके बाद, और अभी मैं आया हूँ, अभी देखना है दोबारा। जैसे ही मैं आऊंगा ना, शांत बैठी होगी तो मुझे देख के दा 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 दादा करते रहिए, मतलब हर किसी को दादा बोलती है, पापा को दादा, मेरे को दादा, अपने दादा को दादा, सबको दादा। क्या हुआ, पीछे जाओ पीछे जाओ बाबू, पीछे जाओ। ताऊ 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 गिर जाएगी। कैसे बैठी हुई आराम से, पता क्या कर रही है, टीवी देख रही है, हमारा व्लॉग, हमारा व्लॉग चल रहा है वो देख रही है। रावि इधर आ जाओ, यहाँ पे बैठो, आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा यहाँ, अच्छा नीचे मत बैठो, इधर आओ, आओ मेरे पास आ जा, ऊपर बैठो बेटा, आ जा। भाई ये मात्र 1 साल की है और देखो अपने आप उठाया केला खाने का। ओए ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, बहुत पिटाई करूंगा बेटा, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अभी भी बहुत पिटाई करूंगा। ऊपर वाले की मर्जी के बिना क्या कर सकते हैं,
इसको क्या हो गया, तेरे को क्या हो गया बेटा, तू क्यों रो रहा है? विकास भी देखो बगल में कैसे सो रही है, इसको पता नहीं क्या हो गया, क्यों रो रहा है भाई। फिलहाल मैं नीचे आ गया हूँ खाना वाना खा के, आप देखा होगा ये तो मस्ती करती रहती है 24 घंटे। और मैंने यार अपना ना वो मंगाया था मिल्क थिसल, मैं जो खाता हूँ वो मंगाया था एक्चुअली। एक सेकेंड ये हो गया, मेरी खत्म होने वाली है, 2-3 गोलियाँ बची है। ये एक नया पैकेट मंगाया मैंने, तो ये ऑनलाइन आ गया था, बहुत दिन हो गए, मतलब 4-5 दिन हो गए इसको आए हुए, तब से करते हैं। एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आपको भी खांसी जुकाम हो रहा है ना, या फिर खांसी कफ हो रहा है गले में, क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत है, सही बता रहा हूँ, मेरे को रामबाण इलाज गुड़, देसी गुड़ अपना बिल्कुल डार्क वाला है, ये देखो ये यहाँ पे खाता रहता हूँ धीरे धीरे भाई, बहुत ही बढ़िया, मतलब अमेजिंग। मेरे को, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं सब कर रहे हैं, भगवान की दया से मैं नहीं कर रहा और उस गुड़ की दया से, क्योंकि गुड़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी खांसी के लिए, आपके जुकाम के लिए। वात कफ पित्त तीन तरह की आयुर्वेद में बोला गया है, तो आपका जो कफ है ना उसको कंट्रोल करने में काफी मदद करता है गुड़। रेगुलर खाता हूँ, जब भी निकलता बढ़ता हूँ, खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम जब मौका मिलता है गुड़ खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो लोग बोलते हैं ना गुड़ नहीं खाना चाहिए ज्यादा, भाई कोई दिक्कत नहीं होती है, आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ा हर बार खाना खाने के बाद खाओ, जबरदस्त। और एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और लेता हूँ रुको भाई, ये सौंफ, तो सौंफ भी मैं खाता हूँ हल्की हल्की, सौंफ भी बहुत जबरदस्त इलाज है। थोड़ी सौंफ थोड़ा गुड़ खाओ, मिश्री भी खा सकते हो, मिश्री वो वाली जो धागे वाली होती है पत्थर वाली, वो छोटे छोटे मतलब ऑलरेडी कटी हुई वैसी नहीं, क्योंकि वो चीनी से ही बनती है, कुछ मिलता है मतलब चीनी से ही बनती वाली, तो वो मत खाना था, ये वाली खाना तो बढ़िया रहती है, बहुत बढ़िया। अपने खाना खाने के बाद ना सौंफ, मीठी वाली नहीं, कोटेड वाली नहीं, जो नॉर्मल सौंफ होती है, सौंफ और गुड़ को इंक्लूड करो खाना खाने के बाद, जमीन आसमान का फर्क आपको मिलने वाला है, लिख के ले लो। फिलहाल मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है अपने ऑफिस का। तो भाई ये मेरा वर्क प्लेस है, कभी कभी मैं जब काम करता हूँ ऑफिस का तो मैं ऐसे ही बैठता हूँ मुड्ढे पे नीचे, और यहाँ पे अपना लैपटॉप रखता हूँ इसमें, और फिर अपना काम चलता है यहाँ पे। फिलहाल बैठते हैं और थोड़ी देर का काम है वो निपटाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो काम है उस, मेरा जो काम है बेसिकली वो स्टडी अब्रॉड का है, तो कुछ हम लोगों ने ईमेल्स वगैरह करे थे यूनिवर्सिटी को, और जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से वो बाद में रिप्लाई करती है, क्योंकि वहाँ पे अब दिन होता है, मतलब जैसे UK फॉर एग्जांपल 5 घंटे पीछे हैं वो, तो 5-5.5 घंटे, तो फिर वो रिप्लाई करते हैं अपने ऑफिस आवर्स के हिसाब से, फिर हम उनको रिप्लाई करते हैं। वैसे मैं कल भी कर सकता हूँ मॉर्निंग में, बट मुझे पेंडिंग काम रखना ना पसंद नहीं है ज़्यादातर, मैं अपना काम निपटा देता हूँ उसी टाइम पे, तो इसलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आए हैं वहाँ से, कोई रिप्लाई वगैरह आया है, तो फिर देन उसके अकॉर्डिंग मैं करके अपने स्टूडेंट्स को हाथ के हाथ रिप्लाई करता हूँ। मैं अपने पे नहीं रखता, क्योंकि फिर ना मैं भूल जाता हूँ, जैसे बाई चांस किसी का रिप्लाई आया और मैं सुबह के चक्कर में रहूँगा तो फिर मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि ईमेल तो मान लो मैंने अभी पढ़ लिया, फिर अभी रिप्लाई नहीं किया तो सुबह रिप्लाई करना भूल जाता हूँ, बाई चांस निकल जाए स्किप कर, तो ऑन द स्पॉट वहाँ से कुछ रिप्लाई आया स्टूडेंट को किया, स्टूडेंट का कुछ फीडबैक है तो वो हमने यूनिवर्सिटी को दे हाथ के हाथ करता हूँ। इसलिए मैं आपने देखा हो कई बार मैं इवनिंग के टाइम में भी अपना काम कर रहा होता हूँ। बाकी हाँ, अगर किसी को स्टडी अब्रॉड करना हो या मतलब बाहर कहीं जाना हो पढ़ाई करने के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ईमेल भी है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर छोड़ दीजिए और फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, वो सब भी कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ मैं, पिछले मतलब एक दिन हुआ अभी फिलहाल, ठंड एकदम से बढ़ गई है। पहले क्या होता था, धीरे धीरे बढ़ती थी भाई, लोग पहले हाफ स्लीव से फुल स्लीव्स में आते थे, फिर आधे बाजू की स्वेटर होती थी, फिर पूरी बाजू की स्वेटर होती थी, फिर मोटी जैकेट निकलती थी। अभी क्या हुआ है, अचानक से लोग आधी बाजू की स्वेटर मतलब आधी बाजू के टी शर्ट में घूम रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है कि फुल स्लीव्स की जैकेटों में आ गया है सीधा, तो एकदम से ठंड बढ़ी है, तो उस वजह से भी ना बीमारियाँ वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है भाई, तो बच के रहो, बिल्कुल भी ऐसा मत लगो कि दिन में गर्मी लग रही है, कुछ नहीं भाई, बहुत ख़राब मौसम है, बिल्कुल बच के रहो। और मेरी ऑडियंस अगर बीमार हो गई तो भाई फिर मेरे को देखेगा कौन, वैसे ही 150-200 लोग जो देखते हैं वो भी अगर बीमार हो गए तो फिर कौन देखेगा, तो ध्यान रखो भाई अपना। तो फिलहाल कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हम कल मिलते हैं, ठीक है ना।